हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी विल लर्न लेसन नंबर 5, नेचुरल वेजिटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन? सो नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी दैट हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम। सो दे एडजस्ट देमसेल्फ टू क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशंस। अगर हम आगे देखें तो प्लांट्स वेजिटेशंस को हम टू कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल वेजिटेशन एंड सेकेंड वन इज प्लांटेड वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशंस मीन्स वेजिटेशंस दैट ग्रोइंग इन फॉरेस्ट अंडर नेचुरल कंडीशंस। इसमें ह्यूमन सुपरविजन नहीं होता। जितना भी प्लांट या प्लांटेशन या वेजिटेशन ग्रो करेगा वो नेचुरल कंडीशंस में ग्रो करेगा। एंड इन प्लांटेड वेजिटेशन, प्लांटेड वेजिटेशन मीन्स वेजिटेशंस दैट ग्रोज इन योर गार्डन। इसमें ह्यूमन सुपरविजन के अंडर में ही सारी की सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। मतलब प्लांटेशन जो है वो ह्यूमन सुपरविजन के अंडर में ही वो ग्रो करता है। अब अगर हम आगे अगर हम फॉरेस्ट को अगर हम क्लासिफाई करें, सो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स आर, फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। सेकंड इज ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। थर्ड वन इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। फोर्थ वन इज माउंटेन फॉरेस्ट एंड फिफ्थ वन इज लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। सो नाउ वी विल लर्न देम वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स नेम से ही हमें पता चल गया, फॉरेस्ट दैट वर्क अंडर नेचुरल वेजिटेशन मीन्स दे आर नेचुरल फॉरेस्ट्स। एंड एवरग्रीन मीन्स एवरग्रीन थ्रू आउट ऑफ द ईयर। सो एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो फर्स्ट वन वी विल लर्न दिस। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। मीन्स वेस्टर्न घाट के वेस्ट वाली साइड में ये ग्रो करते हैं। एंड हिल ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इंडिया का, वहाँ पे भी ये ग्रो करते हैं। एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑल्सो दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड एरिया। मीन्स इट्स रिक्वायर्ड टू कंडीशंस, वार्म एंड ह्यूमिड। मीन्स टेम्परेचर शुड बी हाई एंड वार्म क्लाइमेट ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर इट्स टाइप ऑफ फॉरेस्ट। एनुअल प्रेसिपिटेशन नीड्स ओवर 200 सेंटीमीटर। मीन्स जो रेनफॉल है वो ओवर 200 सेंटीमीटर होना चाहिए एनुअली। मतलब 200 सेंटीमीटर से अबव रेनफॉल इस टाइप के फॉरेस्ट को जरूरत होती है। एंड टेम्परेचर अबव 22 डिग्री सेल्सियस, इट्स रिक्वायर्ड 22 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर है अबव 22 डिग्री सेल्सियस, इसको रिक्वायर्ड होता है। इस तरीके के फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ हैं उनकी हाइट अबव 60 मीटर रिक्वायर्ड होती है। मतलब 60 मीटर अबव तक इनके ट्रीज़ की हाइट हो जाती है। मतलब यहाँ जो ट्रीज़ होंगे उनकी हाइट 60 मीटर से अबव होती है। अब आप देखें कि अगर किसी भी प्लांट को अगर प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, सो नेचुरल सी बात है वो ग्रो बेटर कंडीशन, बेटर तरीके से वो ग्रो कर पाएगा। सो बेटर तरीके से ग्रो करता है और उसकी हाइट भी जो है वो 60 मीटर एंड अबव हो जाती है। देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, फ्लावरिंग एंड फ्रूटेशन। इस तरह के जो ट्रीज़ होते हैं, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे कोई एक डेफिनेट टाइम नहीं होता जब
प्लांट्स जो हैं वो अपने जो लीव्स हैं उनको शेड करें, मतलब लीव्स गिरने का कोई टाइम नहीं होता। दैट्स वाई दिस फॉरेस्ट अपीयर्स ग्रीन ऑल द ईयर अराउंड, मतलब पूरे साल वो आपको ग्रीन ग्रीन दिखेंगे। अगर आप एरियल फोटोग्राफी से देखें तो वो आपको पूरा एकदम ग्रीन ग्रीन दिखेगा। सो इसीलिए हम इनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। ट्रॉपिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिस फॉरेस्ट फाउंड फ्रॉम अबव इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिटवीन इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस रेंज में, इस एरिया में, अप्रोक्सीमेटली इस एरिया में ये जो है प्लांट्स, इस तरह के ट्रीज जो है वो ग्रो करते हैं। सो इसीलिए हम इसको ट्रॉपिकल बोलते हैं। स्पीसीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट्स इंक्लूड रोजवुड, महागोनी, एनी, एबोनी एक्सेट्रा। तो इस तरीके के यहाँ पे ट्रीज जो है वो होते हैं। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स फाउंड इन लेस रेनी पार्ट ऑफ दीज रीजन्स, मतलब जहाँ पर रेनफॉल थोड़ा सा कम होता है वहाँ पे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाते हैं, मतलब 200 सेंटीमीटर रेनफॉल से अगर अबव अगर रेनफॉल हो रहा है सो उस एरिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, और अगर 200 सेंटीमीटर से लेस अगर रेनफॉल है सो उस एरिया में सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो होते हैं। सच फॉरेस्ट हैव ए मिक्सचर ऑफ ग्रीन एवरग्रीन एंड मोस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, मतलब ये एवरग्रीन और जो मोस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट है उनका एक मिक्सचर सा होता है। द ब्रिटिश वर अवेयर ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया, सो दे ग्रोइंग दीज कंडीशंस इन लार्ज स्केल एंड दे आर द लार्ज स्केल एक्सप्लोटेशन ऑफ दीज फॉरेस्ट वर स्टार्टेड, क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस, जो इकोनॉमिकल वैल्यूज़ जो थी उन फॉरेस्ट की, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, दे आर वेरी वैल्यूएबल फॉरेस्ट। सो ब्रिटिशर्स हैज स्टार्टेड द एक्सप्लोटेशन ऑफ दीज ट्रीज एट लार्ज स्केल। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट वर ऑल्सो चेंज्ड, द ओक फॉरेस्ट इन गढ़वाल एंड कुमाऊँ वर रिप्लेस्ड बाई पाइन विच वॉज नीडिड टू ले रेलवेज लाइन इन इंडिया। सो ये लोग क्या करते थे कि इन्होंने जो बेसिक जो स्ट्रक्चर था फॉरेस्ट का उसको भी थोड़ा सा चेंज किया, और उन्होंने जो है वो पाइन के जो ट्रीज़ हैं उन पे उनका मेनली फोकस था, क्योंकि वो रेलवे लाइंस, रेलवे ट्रैक बनाने में वो लोग इसका यूज़ करते थे। एंड फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्लांटेशन ऑफ टी, रबर एंड कॉफ़ी। प्लांटेशन टी, रबर और कॉफ़ी का प्लांटेशन करने के लिए ब्रिटिशर लोगों ने क्या किया, फॉरेस्ट को बहुत बड़े लार्ज स्केल पे उन्होंने उसको क्लियर किया, मतलब उसको लैंड को खाली किया, साफ किया, और उसके ऊपर में जो है वो प्लांटेशन करना स्टार्ट कर दिया टी, रबर एंड कॉफ़ी का। सो द ब्रिटिशर्स ऑल्सो यूज टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए भी वो जो है ब्रिटिश लोग जो है वो टिम्बर का मैक्सिमम यूज़ करते थे, क्योंकि टिम्बर उस टाइम में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिक्स वगैरह या आप देखें सीमेंटेड या कंस्ट्रक्शन जो थे वो थोड़े से लिमिटेड स्केल पे होते थे, सो ट्रीज़ का वो लोग ज़्यादा यूज़ करते थे कंस्ट्रक्शन के लिए। नाउ वी विल सी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। सो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन लार्ज स्केल इन इंडिया। दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट्स इन इंडिया एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट्स, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट हैं, जो ट्रॉपिकल डिसेडियस फॉरेस्ट हैं, ये फॉरेस्ट जो है वो मॉनसून पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, मतलब यहाँ पे जो रेनफॉल है वो मॉनसून पे ही ये ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। सो ये उन्हीं एरिया में ही ज़्यादा स्कैटर्ड हैं जहाँ पे रेनफॉल जो है वो 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर, बिटवीन 70 टू 200 सेंटीमीटर जहाँ पे रेनफॉल होता है वहीं पर ये ट्रॉपिकल जो डिसेडियस फॉरेस्ट हैं वो होते हैं। अब इस तरीके के फॉरेस्ट को हम लोग आगे ब्रॉडली टू कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, एंड द नेम इज़ मोइस्ट
एंड ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट्स। सो मोइस्ट एंड ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट्स, हम इनको ब्रॉडली हम टू कैटेगरी में इनको हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो फॉरेस्ट्स हैं ये ब्रॉडली 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर की रेंज वाला जो रेनफॉल वाला एरिया है वहीं पर ये फॉरेस्ट जो है ये ज़्यादातर फॉरेस्ट होते हैं। द मोस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट्स आर रिक्वायर्ड मोर प्रेसिपिटेशन अबव 100 टू 200 सेंटीमीटर, मतलब 100 से लेके 200 सेंटीमीटर की रेंज में जो फॉरेस्ट्स होते हैं उनको मोइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। 100 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल रिक्वायर्ड। दीज फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स अलोंग द फुट हिल ऑफ हिमालय, ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ओडिशा। मतलब ये जो फॉरेस्ट हैं ये आपको जनरली नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में और जो हिमालय के जो फुट हिल हैं, मतलब जहाँ हिमालय जहाँ ख़त्म होता है, मतलब जहाँ वो लैंड के टच में या प्लेन एरिया जो है नॉर्दर्न प्लेन के जो टच वाला एरिया है उसको, उस एरिया में ये जनरली होते हैं। और उसके अलावा ओडिशा में भी ये इस तरीके के जो फॉरेस्ट हैं वो होते हैं। टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आमला, कुसुम, सैंडलवुड, इस तरीके के इसमें ट्रीज़ भी होते हैं। मेनली टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आमला, कुसुम, सैंडलवुड, इस तरीके के इसमें ट्रीज़ भी होते हैं। एंड ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं वो कंट्री के वास्ट एरिया में ये स्कैटर्ड है। एंड रेनफॉल रेंज रिक्वायर्ड बिटवीन 70 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। सो अगर रेनफॉल 70 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर अगर है सो उसमें फॉरेस्ट होंगे ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर है सो इसमें होंगे मोइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट। और अगर 200 सेंटीमीटर एंड अबव है सो उसमें होंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इसमें होते हैं। सो इस तरीके का ड्राई डिसिडियस में 70 सेंटीमीटर से लेके एंड 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की जो है इनको रिक्वायर्ड होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर भी कम होता है इस एरिया में सो इस तरीके के क्योंकि रेनफॉल भी काफ़ी कम है सो ये ड्राई जो क्लाइमेट है मतलब 70 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर वाले रेंज में इस तरीके के ट्री जो हैं वो होते हैं। सो ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार इन द हायर रेनफॉल रीजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड द नॉर्दर्न प्लेन इन इंडिया। सो इस रीजन में मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जहाँ पे थोड़ा सा हाई रेनफॉल होता है उस एरिया में और जो नॉर्दर्न प्लेन है उस एरिया में इस तरीके के फॉरेस्ट जो हैं वो होते हैं। उसके अलावा इस तरीके के जो ट्रीज़ हैं वहाँ पे ग्रास लैंड और ये जो ग्रास पैचेस हैं ये बड़े कॉमन हैं, यहाँ पे ग्रास पैचेस भी होते हैं। एंड एज द ड्राई सीजन बिगिन द ट्रीज शेड देयर लीव्स कम्प्लीटली एंड द फॉरेस्ट अपीयर्स लाइक ए वास्ट ग्रास लैंड विद द नेक ट्रीज ऑल अराउंड। इसका मतलब कि इस तरीके के जो ट्रीज़ हैं वो जैसे ही लेस रेनफॉल सीजन स्टार्ट होता है, मतलब ड्राई सीजन जब स्टार्ट होता है तो इस तरीके के फॉरेस्ट जो हैं वो अपने ट्रीज़ की जो लीव्स हैं वो ये लोग गिरा देते हैं, मतलब शेड देयर लीव्स उनके। तो अब क्या होगा कि जो ट्रीज़ हैं वो दे आर लुक लाइक ए नेक्ड ट्री, मतलब खाली ट्री रहेगा उसके ऊपर में जो आप देखेंगे कि जो लीव्स हैं वो नहीं होती हैं। और सिर्फ अगर आप एरियल फोटोग्राफी से देखेंगे तो आपको सिर्फ उसमें ग्रास लैंड ही दिखाई देंगे, मतलब ट्रीज जो हैं अब वो बिल्कुल नेक्ड ट्रीज हो गए हैं, मतलब एकदम से खाली हो गए हैं, खाली ट्री रहेगा उसके ऊपर में लीव्स जो है वो ऑलमोस्ट नील होती है।
और अगर आप एरियल फोटोग्राफी से अगर आप उसको देखते हैं तो उस कंडीशन में वो आपको सिर्फ ग्रासलैंड दिखाई देगा और नेक्ड ट्रीज आपको दिखाई देंगे इन ड्राई सीजन में ही ये होता है। अब इसमें किस किस तरीके के प्लांट्स या ट्रीज होते हैं, सो तेंदू, पलास, बेल, खैर, एक्सवुड, एक्सलवुड, इस तरीके के जो ट्रीज हैं वो इसमें होते हैं। इन द वेस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान वेजिटेशंस कवर इज वेरी लार्ज, वेरी स्केटली ड्यू टू लो रेनफॉल एंड ओवर ग्रेजिंग। सो अब राजस्थान का अगर आप पार्ट देखें, वेस्टर्न एंड सदर्न, तो वहाँ पे भी लो रेनफॉल और ओवर ग्रेजिंग के कारण जो है वहाँ पे भी जो नेचुरल प्लांटेशन है वो थोड़ा सा आपको लेस आपको देखने को फील होगा कि यहाँ पे जो प्लांटेशन है वो काफ़ी कम होता है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट है दे आर फाउंड इन एरिया लाइक इन साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर इस एरिया में होती है। ये जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हैं ये उस एरिया में ही ग्रो करेंगे जहाँ रेनफॉल हमें लेस देन 50 सेंटीमीटर, जहाँ पे हम लोग रेनफॉल रिसीव करते हैं, लाइक राजस्थान और राजस्थान के सराउंडिंग के जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी सराउंडिंग के स्टेट्स हैं वहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव होता है एवरेज एनुअल रेनफॉल। वहाँ पे इस तरीके के प्लांट्स, इस तरीके के जो फॉरेस्ट हैं वो होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप देखेंगे कि लेस रेनफॉल होने के कारण यहाँ के जो ट्रीज़ हैं उनकी जो लीफ साइज़ है वो स्मॉल साइज़ होती है अगर हम कंपेयर करें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के साथ में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं उनकी लीफ साइज़ थोड़ा सा बिग साइज़ होगा और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में कंपेरेटिवली लीफ साइज़ जो है वो छोटा सा, थोड़ा सा लेस उनका साइज़ होता है। बबूल, बेर, वाइट डेट पाम, खैर, नीम, खेजड़ी, पलास, इस तरीके के यहाँ पे ट्रीज़ ग्रो करते हैं। हमने ये देखा कि अकॉर्डिंग टू रेनफॉल, रेनफॉल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, लेस देन 50 सेंटीमीटर में ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट होंगे। 50 सेंटीमीटर से अगर हम अबव चले जाएं, 70 to 200, उसमें ट्रॉपिकल डिसेडियस फॉरेस्ट होते हैं और 200 सेंटीमीटर अबव में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं।